आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? अजर अमर अटल, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, और जो उन्होंने एक पूरे देश में, कहते हैं अजर अमर और अटल जो कहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे भारत रत्न थे, और उनकी जो योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी, दूरदृष्टि, आज उसी पर पूरा देश चल रहा है। और जो उनकी योजनाएं थी, नदी से नदी को जोड़ना, और पार्टी हित में भी जो कार्य करने की जो ये थी, तो आज पार्टी उसी पटल पर कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आज सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस भी, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराजा सूरजमल, मतलब नाम से ही लग जाता है अफलांतुन, मतलब जिस तरह से मुगलों को उन्होंने दौड़ाया, और जैसे सनातन धर्म की जहाँ जहाँ भी बेइज्जती हुई, उस बेइज्जती का ब्याज सूद सहित अगर किसी ने बदला लिया तो वो महाराजा सूरजमल थे। महाराजा सूरजमल ऐसा है, ऐसे वो राजा ही नहीं थे, वो जनता के बीच जनता की कमियों को भी देखते थे। कृषि के अंदर जो सुधार उस समय किए, वो उसी पैटर्न पे आज ये मोदी सरकार चल रही है, और उसी पैटर्न में हम आशा करते हैं कि जो हमारे अब भजन दाल जी जो शर्मा हैं, वो भी उसी पैटर्न में चलेंगे। वो भी उस ब्रजभूमि के हैं, ये भी उस ब्रजभूमि के थे। तो मेरा तो यही है कि महाराजा सूरजमल है, उनके नाम में ऐसा जोश आ जाता है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए हैं, उन्होंने 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं आ रहे, एक युद्ध उन्होंने यहाँ नहीं आ रहा, ऐसे अजय योद्धा जिसका आज बलिदान दिवस 260वां है। साथ ही आज तुलसी पूजन भी है, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं कहता हूँ एक ये ऐतिहासिक दिन है, जय वाजपेयी जी की जयंती हो, जय तुलसी पूजन दिवस हो, जय महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस हो, ये एक वाकई आज का दिन एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। भजन लाल जी भरतपुर से आते हैं, जहाँ से सूरजमल जी आते हैं, और आने वाले 5 साल में क्या इस कार्यकाल में क्या देखने को मिलेगा अलग? आपको पहली बार ये जो भजन लाल जी, एक कार्यकर्ता, भाजपा ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया MLA का, और एक कार्यकर्ता ही सीधा, जो पहले सरपंच थे वो सरपंच से सीधे MLA बने, और MLA के बाद वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ा परिवर्तन है। रही विकास कार्यों की बात, तो जो दूरदृष्टि के साथ, जो भजन लाल जी की भी दूरदृष्टि है, वो काफ़ी प्रेरणादायी है, और उनकी सोच को आप पहले दिन से ही, जो हमारी 10 मोदी जी की जो गारंटी थी, उन्होंने जो 450 जो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी, जो विपक्षी दल थे, परंतु उन्होंने पहले दिन उन 10 योजनाओं को 100 दिन में पूरा करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से उनके लिए क्रियाकलाप लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। 450 रुपये में सिलेंडर की बात हो या आगे की और गारंटियों की बात हो, उनको और अपडेट करेंगे, अच्छा करेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएँ जो इग्नोर कर देते, सरकार दबाव में चलती थी डॉक्टर्स वगैरह के, में वो अब नहीं देखने को मिलेगा, सब समांतर व्यवस्थाएं रहेंगी।